स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैडम आप कितनी अच्छी हैं, कितने बड़े दिल की हैं, ये तो आपने दिखाया सॉरी टू से पार्ट वन में। पर उसके बाद ये बड़ा दिल, ये अच्छा होना, ये सोचना, ये सिंपथी कहाँ गई अपनी अम्मी, खाला और उनकी अम्मी के लिए। आप लोग कहते हो कि मेरे ससुर को मैंने रूम दिया, अरे मैं तो जमीन पे लेट जाऊंगी, मैं तो ड्राइंग रूम में लेट जाऊंगी, ये मैडम के शब्द थे। अपना भी रूम देना पड़ा तो मैं दूंगी। अब कहाँ गई मैडम आप? इससे पहले कि आप लोग बोले कि वो प्रेग्नेंट है उन पे बात मत कीजिए, तो डोंट वरी, मैं नहीं कह रही कि वो अपना घर दे। बाय द वे सबको पता ही होगा अपने घर के साथ एक और घर बनवा रहे हैं, वो तो एक चीज है, पर मैडम और जनाब मिलके एटलीस्ट साहिबा को ही कन्विंस कर ले कि साहिबा जो ऊपर का आपने एक किला अपने शानों शान बनवाया था, जरा उसके दरवाजे अपनी अम्मी, खाला और नानी के लिए खोलिए। बड़ा बुरा लगता है जब आप इतनी ज्यादा सॉरी टू से न्यूसेंस फैलाती हैं। चट्टाई पे भी लेटने के लिए आपकी नानी को इंतजार करना पड़ता है कि कब आपके वो कोलैबोरेशन का फोटोशूट खत्म हो और उनको लेटने को मिले। कितनी एजेड है वो, उनके मुंह से पता लगता है वो कितनी वीक है, पर नहीं, आपको तो पहले फोटोशूट करने चाहे। बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई है, बूढ़ी अम्मा इन द सेंस ये लोग अपनी नानी को अम्मा बोलते हैं, तो इससे मैंने उनको ये बोला कि वो बुजुर्ग हैं, बूढ़ी हैं, उनके लिए जगह इतनी सारी ऊपर बन सकती है। अरे ऊपर तो आपने गद्दे भी लगाए हुए थे, जिम रूम में भी गद्दे लगे थे जहाँ पे आप अपने शौहर को ठहराती हैं बिना बेडशीट लगे गद्दे पे। तो कुछ नहीं तो वो सास ससुर वाले और अपने शौहर वाले गद्दे लगा के ही कोई ऐसा सेटअप बना दीजिए जहाँ पे आराम से आपकी अम्मी, खालाएं और जो आपकी अम्मा आपकी नानी है वो रह सके, क्योंकि वो बहुत एजेड हो चुकी हैं और इस टाइम पे शिफ्टिंग हो रही है, कितनी डस्ट धूल मिट्टी होती है। वहीं पे आप लोगों को इफ्तारी भी करनी है, वहीं पे आप लोगों को सहरी भी करनी है। पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग, शिफ्टिंग वाला घर है। देखिए आम लोग तो हर चीज मैनेज करते हैं, बट आप लोग खुद ही कहते हो ना, आप लोग तो इतने ज्यादा ऊपर वाले का करम है आप लोगों पे। बट अजीब बात है कि जितना आप लोगों पे करम है उतना ही दिल छोटे 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 क्यों होते जा रहे हैं। नहीं अच्छी बात है, आप गिव अवे कर रही हैं, आप चीजों को बांट रही हैं, वो करिए, पर अपना पूरा ऊपर का घर सिर्फ और सिर्फ कि आपने कोलैबोरेशन की शूटिंग करने के लिए रखा था, या फिर वो घर तभी खुलेगा। देखिए यहाँ पे लोग कहते हैं वो एम्पावर्ड है, अच्छी बात है, उसका पति उसे अपने घर में ईद मनाने दे रहा है, पर वहीं दूसरी ओर कोई ये नहीं देखता कि वही एम्पावर्ड लड़की सिर्फ और सिर्फ अपने सास ससुर के लिए या अपने पति के लिए वो घर खोलती है। उस घर में और कोई नहीं रहने जाता। अब जब सबसे ज्यादा परिवार को उस घर की जरूरत है, तब भी कोई भी ऊपर जाके नहीं सो सकता, लेट सकता, बिकॉज मैडम के हाथ में, मतलब मैडम 2.0 है ना साहिबा, तो जैसे हर बात में मैडम की मर्जी चलती है ना, वैसे ही बस मैडम की मर्जी कहाँ चलती है। जनाब ने चाहा तो ऊपर पापा को लाके ठहरा दिया और मैडम से वीडियो सॉरी टू से बनवा दिया कि बोलो बोलो, कहो कि तुमने जो कुछ करा अपनी मर्जी से करा। तो अभी भी तो वही तो जनाब आपकी माँ है और वही तो आपकी सब बूढ़े बुजुर्ग है। अब नहीं ख्याल आता आपको कि शिफ्टिंग हो रही है, वो कितने ज्यादा अनकंफर्टेबल हालातों में, इतने से घर में इतने सारे लोग रह रहे हैं, तब जब पूरी बिल्डिंग में चार घर आपके, चलो जी एक तो बन रहा है, एक में आपकी मैडम और वो धर्म वाले दादा और टिक्कू और पता नहीं हीरा और मोती सब सभा लगा के बैठते हैं, एक नया अड्डा ऊपर बन चुका है, एक अड्डा नीचे लगता है, एक अड्डा घर पे लगता है। चलो जी अच्छा है, आप सभा लगा के रखते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, और 100 मेहमानों को बुलाइए, पर सबसे पहले अपनी अम्मी को अपने घर में जगह दीजिए, अपने बड़ों को दीजिए जो कि इतना ज्यादा नीचे एक ऐसे केओस में रह रहे हैं जहाँ पे 24 घंटे चीजें फैली रहती हैं और बेचारे बड़े बुजुर्गों को चट्टाइयों पे सोना पड़ता है। एक बार तो मैं देख रही थी कैसे जब नेहा ने सब कुछ बताया था कि अम्मा ने कहा है मैडम के हवाले से कुछ रिवलेशन किए थे, तो उस टाइम पे तो बेचारी अम्मा को जमीन पे बैठ के इफ्तारी करनी पड़ी थी, क्योंकि उस दिन ऐसा लग रहा था कि उनको नई नई डांट पड़ी है। तो एक काम कीजिए, वापस से एक ऐसा वीडियो बनाइए, पर उससे पहले कुछ ऐसा करिए ताकि वो आप बना पाए, क्योंकि उसमें आपको अपने आप को महान दिखाना है, विच इज नॉट बैड, अपने आप को ग्लोरीफाई करने में। वैसे भी मैडम बड़ी प्यारी है, कोई कह भी रहा था कि ब्लैटेंटली सारी की सारी रेसिपीज जो है वो किसी और चैनल से ले रही है, आई गेस रूबीज किचन, इज इट रूबीज किचन जहाँ से आप लेते हो, किसी ने बहुत, वैसे बहुत अलग अलग जगह से आपने और भी ली हुई है, बट कभी मजाल है आप चैरिट दे दो। पता है क्या, एक चीज़ बहुत है, मैं हमेशा एक चीज़ करती हूँ, हालांकि मैं कोई बड़ी क्रिएटर अभी तक नहीं बनी हूँ, कुछ हज़ार मेरे सब्सक्राइबर हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, कोई मुझे कहता ना दिस इज़ माई न्यू चैनल, मैं जाके उसको चुपचाप सब्सक्राइब कर देती हूँ, और हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसकी कोई पोस्ट पॉपअप हो या कोई वीडियो हो तो मैं कॉमेंट करूँ, मैं इंकरेज करूँ, क्योंकि ये सारे लोग रियल हैं, ये अपनी लाइफ को स्क्रिप्टेड बना के पेश नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप लोग हो,
अपने आप की महानता ही बताने में खत्म नहीं करते, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम परफेक्ट हैं, मैंने दिया, हाँ हाँ मैंने अपने, मतलब एक पूरा वीडियो अपनी महानता में बना दिया। वो सॉरी टू से हेटर्स के लिए नहीं था, आप लोग मिस्टेकन हैं, जो भी लोग व्यूअर्स हैं ना, आप लोगों को समझना पड़ेगा, वो सॉरी टू से मैडम ने अपने आप को और अपने सेक्रीफाइस को ग्लोरीफाई करने के लिए बनाया था, क्योंकि बेचारी मैडम ने उस रूम में क्या कुछ नहीं लगाया था, ऑटोमेटिक पंखा लगवाया, वॉलपेपर लगवाया, टीवी लगवाया, ऐसी ऐसी चीज़ें लगवाई जो अम्मी के घर में कभी लगवानी की, वैसे महान हैं, वैसे बड़े बुजुर्गों का सोचते हैं, बट अम्मी के घर में एक चीज नहीं थी, अपनी सारी यूज करी हुई चीजें अम्मी के घर में नीचे भेज देती हैं, जबकि अपनी माता श्री का घर पहले जनाब को करवाना था, पर बिग बॉस में सिर्फ एक स्टेटमेंट ही दी थी कि हम तो अब हाउस हंटिंग पे जा रहे हैं, मुझे अम्मी को एक घर देना है, गिफ्ट करना है, पर असलियत ये थी कि वो घर लिया ही नहीं गया था, ये घर अपने लिए लिया गया, अम्मी के लिए कोई नीचे वाला घर नहीं लिया था। वो असलियत साफ तौर पर खुली जब जनाब ने कहा कि अब जाके कुछ महीनों पहले ही तो उन्होंने अम्मी के लिए घर खरीदा है। हालांकि बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, अपनी माँ को अपने पिता को साथ रख रहे हैं आजकल के फास्ट मूविंग सोसाइटी में, कई लोग तो वो भी नहीं करते, तो चलिए आप ये कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। पर अब कहाँ गया, या फिर सिर्फ व्लॉग में ही आपका ध्यान आता है कि अपने पिताश्री के लिए एक रूम दे दिया, तो अपने माताश्री के लिए भी कुछ कीजिए और कृपया करके उन्हें ऊपर वाले घर में साहिबा से बात करके शिफ्ट कराइए। आपका बड़ा जोर चलता है, मैंने सुना है मीरा रोड में भी, मीरा रोड के आसपास भी, तो कम से कम मीरा रोड के ऊपर वाले फ्लैट पे भी अपना जोर चलाइए और कहिए साहिबा को कि भाई जब कोई रह ही नहीं रहा है, घर बंद पड़ा हुआ है, तो उस बंद घर का क्या फ़ायदा अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, आप गेट खोलिए साहिबा, बड़ा दिल कीजिए, चलिए। या फिर साहिबा एक काम करो, ये घर दे दो अपने ऊपर वाला अपनी अम्मी को, खालाओं को और नानी को फिलहाल रहने के लिए, और फिर तुम भी बनाओ, ठीक है? सॉरी टू से कॉपी पेस्ट भैया भाभी, हाउ इज इट? नहीं गुड आइडिया? या फिर कुछ और भी बना सकती हो, जैसे अपने प्यारों को दिया घर, कर दिया अपनी अकड़ को टाटू, ऐसे कुछ करके। ऑन अ सीरियस नोट, किसी ने मुझे ये पूछा था कि बाबा सिद्दीकी की पार्टी में इन लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता है, तो देखिए ये बात मुझे भी समझ नहीं आती कि हमारी मैडम की नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये कभी गई हो उस पार्टी में और वहाँ पे भी इनका पैर फिसला हो और वहाँ पे भी किसी ने इनको बचाने की कोशिश करी हो और वहाँ पे भी इन्होंने वही बिहेव किया हो जो उस गरीब के साथ किया था, जिसको ये बोल के बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था कि वो तो पापराजी का आदमी भी नहीं था, वो तो पैप भी नहीं था। बड़ी अजीब बात है ना कि मीडिया का आदमी नहीं था तो क्या उसकी इज्जत नहीं है, या सिर्फ आप लोग मीडिया वालों की इज्जत करते हैं क्योंकि उनके हाथ में भी कैमरा होता है? उस दिन समझ में आएगा सच सब व्लॉगर्स का, एक का नहीं दो का नहीं, कितने सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, उनका सच समझ आएगा जब किसी के मुंह पे कैमरा नहीं होगा, तब देखेंगे। और इस मामले में मैं एक चीज़ कहूँगी, मुझे संभावना बड़ी पसंद आई, देखिए वो इंसिडेंट उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट उन्होंने फिर भी बताया कि सोसाइटी में ऐसे ऐसे लड़ाई हुई थी और वो स्पेशली गई किसी से माफ़ी मांगने। अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी, उन्होंने माफ़ी मांगी पर बिना कैमरे के। तो इंसान वही सच्चा जो कैमरे के साथ और कैमरे के बिना दोनों ही अच्छा है, जो सिर्फ कैमरे के सामने आप अच्छे ओके हमें समझ में आती है वो हंसी, और इसमें नेगेटिविटी और हेट की कोई बात ही नहीं है। सामने सामने जो हमें दिखता है वो हम आपके सामने रखते हैं, अब उसके आगे लोगों की क्या राय है लोग कमेंट सेक्शन में रखते हैं, अच्छी और बुरी सारी मैं अपने चैनल पे रखने देती हूँ, सिर्फ उन कमेंट्स को डिलीट किया जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल डिलीट किया जाता है जिनमें अब्यूजिव लैंग्वेज होती है या फिर मेरे धर्म के खिलाफ या फिर इन लोगों के धर्म के खिलाफ कुछ होता है, क्योंकि चाहे मैं इस फैमिली को पसंद करूं या ना पसंद, अल्टीमेटली मुझे इनके धर्म से कोई इशू नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता, और उसका कारण मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि एक हिंदू हूँ, अपने धर्म को पूरे दिल से फॉलो करती हूँ, पर एट द सेम टाइम हर धर्म की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और इसलिए कभी किसी को ये भी हो ना, एक चीज़ किसी ने पॉइंट आउट की थी, आज मैं बात कर लेती हूँ, कि आपने कहा कि नॉनवेज मत खाओ तो आप मुस्लिम्स पे आ रही, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ एक्सेसिव नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि नॉनवेज खाना ही गलत है, हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ। और एट द सेम टाइम किसी ने कहा था कि आप कह रहे हो कि नॉनवेज खाने से हेट्रेड फैलती है, बिल्कुल भी नहीं, देखिए आपकी चॉइस आपकी मेरी मेरी है, इसमें ये हेट्रेड वाली कहाँ से बात आ गई, जो नॉनवेज खाते हैं वो सब पूरे थोड़े ना होते हैं, ये कोई जनरल नोशन थोड़ी ना है, वो आपकी चॉइस है नॉनवेज खाना, ये मेरी चॉइस है वेजिटेरियन खाना खाना, इसमें अगर मैं वेजिटेरियन खाना प्रेफर करती हूँ तो देट कैन नॉट बी इम्प्लाइड एज कि मैं सारे नॉन वेजिटेरियंस से नफरत करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा मत सोचिएगा,
आप नॉनवेज खाइए, 100 बार खाइए, जो आपका मन करे करिए। मैंने तो बस ये बोला था कि जब मैडम को अक्सर हम एक्सेसिव नॉनवेज खाते हुए देखते हैं तो कितने सारे खुद नॉन वेजिटेरियंस भी आगे लिखते हैं कि भाई हम भी इतना नहीं खाते, हमें पसंद है पर फिर भी हम नहीं खाते क्योंकि बहुत हैवी फील होने लगता है। और एट द सेम टाइम मैंने यही ओपिनियन फ्राइड खाने के लिए भी दिया था। और मैं तो कहती हूँ फ्राइड खाना छोड़ो, आप पूरे दिन में 100 लीटर पानी पियोगे ना तो तब भी आपको वाटर इंटॉक्सिकेशन होगी, बिकॉज एक्सेसिव तो कुछ भी करना गलत है। सब्जियां भी आप खा लोगे 6 किलो तो भी आपकी तबीयत खराब होगी। तो प्लीज मेरी किसी भी बात को धर्म का एंगल ना दिया करें, क्योंकि मेरा कभी भी मोटिव ये नहीं होगा कि मेरे किसी भी वीडियो की वजह से किसी के धर्म को लेके कोई किसी को बुरा बोले या कोई मेरे धर्म पे उंगली उठाए, क्योंकि अगर आप मेरे धर्म पे भी उंगली उठाएंगे तो मैं उतनी ही तेजी से आपका कॉमेंट डिलीट करूंगी। आज के लिए इतना ही, साहिबा पे अपने व्यू जरूर रखिएगा और भैया भाभी के सॉरी टू से वाले ट्रेंड पे भी रखिएगा। बताइएगा जरूर कि इस बार भैया भाभी को सॉरी टू से में अपने आप को कैसे आगे बढ़ा के बड़ा बना के दिखाना चाहिए, और उससे पहले क्या करना चाहिए अम्मी के लिए, खाला के लिए और नानी के लिए, ताकि वो इस तरीके का अपने आप को ग्लोरीफाई करने वाला वीडियो वापस से बना सके। हमें तो पता ही है कि वो आने वाला ईद के बाद आएगा, सो कैसा होना चाहिए उनको अच्छी सी स्क्रिप्ट कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।